नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। जनपद अमरोहा में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा किनारे बसे गांव को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि गंगा में गंदगी ना फैलाएं, गंगा किनारे घाटों को साफ सुथरा रखें, जिसको लेकर नमामि गंगे द्वारा गाँव पहुँच कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ आज नमामि गंगे परियोजना में युवाओं की सहभागिता के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र अमरोहा के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी आभा सोनी के निर्देशानुसार जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे सचिन चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण स्तरीय गतिविधियों के तहत चित्रकला प्रतियोगिता एवं योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गंगा किनारे बसे ग्राम कोरारा मुस्तकम के हरिओम आदर्श इंटर कॉलेज में किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अयान मलिक, द्वितीय स्थान पर शुएब एवं तृतीय स्थान काजल का रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम गंगा दूतों को योग के प्रति जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा गंगा ग्रामों के लोगों को दैनिक दिनचर्या में उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग करने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लखीमचंद, वीर सिंह, हेम सिंह भोजराज, स्वास्थ्य विभाग से शासिदा शर्मा एवं योगासन जिला खेल संघ अध्यक्ष व नमामि गंगे स्पेयर हेड नवबहार एवं समस्त गंगा दूतों ने प्रतिभाग किया। मैं सचिन चौधरी, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता के अंतर्गत ग्रामीण स्तरीय गतिविधियों के तहत आज योगा कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन गंगा ग्राम पुरारा मुस्तकम में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा ग्राम वासियों को माँ गंगा के प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ना रहा। मेरी सभी से अपील है कि माँ गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल अविरल बनाने में अपना सहयोग अवश्य दें। धन्यवाद। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।